अब मेरे बच्चे अगला स्ट्रक्चर कार्बन चेन पे फोकस करते हैं, तो बच्चे हाइड्रोजन से घबराते हैं क्योंकि हाइड्रोजन की वजह से क्या होता है, स्ट्रक्चर बहुत बड़ा बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड सा लगने लगता है। आप कार्बन पे फोकस रखें। पहले मैंने कितने कार्बन बनाए थे लाइन से? 6। अब जरा गौर से देखना, स्मार्ट ट्रिक। अब मैं क्या करूंगा, अब चेन है ना, इमेजिन करो उसको चेन की तौर पर, चेन। पहले चेन में कितनी बीड्स थी? 6। अब सोचो, अब जब मैं उसी का स्ट्रक्चर बनाऊंगा ना, मैं क्या करूंगा, चेन में से एक कार्बन तोड़ दूंगा, 1 2 3 4 5। मैं कितने की चेन बनाऊंगा? 5 की। एक कार्बन मेरे पास है इन हैंड, एक कार्बन मेरे पास है इन हैंड, या छोड़ो बेटा, वो इस एक कार्बन को या तो मैं इस कार्बन पर अटैच कर दूंगा या फिर मैं इस पे अटैच कर दूंगा, दोनों पे नहीं, या तो इस पे या इस पे, क्योंकि मैं इस पर अटैच करूं तब भी ये सेकंड कार्बन कहलाएगा, और अगर इधर अटैच करूं तब भी ये बात समझना बड़ा जरूरी है। दोबारा सुनना, मैं 10 दफा भी बता दूंगा ये बात। देखो मैंने क्या कहा, पहला स्ट्रक्चर आपने सीधा सीधा बनाया, उसके बाद आगे के स्ट्रक्चर कैसे बनाने, ये कोई मुश्किल काम नहीं, आप एक एक कार्बन कम करते जाओ और चेन में इसको, जी रुक जाओ बेटा, मैं जो तरीका मैं सिखा रहा हूं जान वो सीख लो। मैंने क्या कहा कि आपने एक कार्बन कम किया, अब उस एक कार्बन को जो तोड़ा आपने 6 की चेन में से, उसको यहां नहीं लगाना है, यहां नहीं लगाना है, क्योंकि यहां लगाने पर तो वही कंटिन्यूस चेन रही है, जो पहले आपको सीधी सीधी चेन थी वही सीधी सीधी चेन है, देखने में टेढ़ी लग रही है, असल में नहीं है। पहले भी 6 की चेन, चेन के तौर पे इमेजिन करोगे ना, बात समझ में आएगी भाई, पहले भी सीधी सीधी 6 की चेन थी, अभी भी देखो ये पूरी कंटिन्यूस चेन है ना, ये सुनो, तो अगर मैं वहां कोने पे लगाऊंगा ना कार्बन, तो इसका मतलब है मैंने ऊपर वाला स्ट्रक्चर रीड्रॉ कर दिया। ये बात बच्चे समझ नहीं पाते और इसलिए कंफ्यूज होते हैं, जरा समझना, अगर मैंने जो कार्बन तोड़ा वो मैंने या तो इस कॉर्नर पे या इस कॉर्नर पे लगा दिया, तो ये नया स्ट्रक्चर नहीं मैंने बनाया, ऊपर वाले स्ट्रक्चर को ही दोबारा ड्रॉ कर दिया। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले में भी 6 कार्बन की चेन थी, और नीचे वाले में भी अगर तुम चेन ड्रॉ करोगे तो 6 कार्बन की चेन बनेगी, तो इसका मतलब है दोनों अलग अरेंजमेंट नहीं है बल्कि सेम अरेंजमेंट है। तो इसीलिए मैं क्या टेक्टिक बता रहा हूं कि जो कार्बन आप तोड़ेंगे चेन में से, उसको कभी भी पहले पर नहीं लगाना है, कभी भी पहले पर ना, इस साइड से पहला हो ना उस साइड से पहला हो, किस पर लगाना है? दूसरे पर, या तो दूसरा राइट हैंड साइड से हो या दूसरा लेफ्ट हैंड साइड से हो। क्या मतलब? ये बात समझना जरूरी है कि या तो मैं यहां लगाऊं या मैं यहां लगाऊं, एक ही बात है। बच्चे क्या करते हैं, सर आइसोमर बनाना है, एक में यहां लगा दिया, अगले में आपने यहां लगा दिया, तो वो दोनों में एक ही बात हुई, क्योंकि कार्बन का नंबर क्या है, यहां से भी सेकंड है वहां से भी सेकंड है, तो आपने एक आइसोमर ऐसे बनाया, उसके बाद अगला आइसोमर कैसे बनाया, आपने वही 5 की चेन रखी, 1 2 3 4 और 5। पहले किस पे लगाया था? सेकंड पे लगाया था, अब किस पे लगा देंगे? थर्ड पे लगा देंगे, अब किस पे लगा देंगे? दोबारा समझना, दोबारा सुनना, पहले मैंने 6 सीधा सीधा बना दिए, 6 सीधे सीधे बनाने के बाद फिर मैंने क्या कहा, चेन में से एक कार्बन तोड़ दिया, और उस वो एक कार्बन को जो हम तोड़ेंगे कभी भी कॉर्नर वाले पे नहीं लगाएंगे, कॉर्नर वाले पे लगा हुआ है इसका मतलब है वही स्ट्रक्चर बना हुआ है जो पहले था, सेकंड पे लगाएंगे, सेकंड या तो राइट हैंड साइड से या सेकंड लेफ्ट हैंड साइड से, फिर सेकंड पे लगा के आपने स्ट्रक्चर बना लिया, अब उसी कार्बन को जो सेकंड पे लगाया था किस पे लगा लेंगे? थर्ड पर। अब फोर्थ पर लगाएंगे क्या? मैं कहता हूं कि भाई 1 2 3 4 और 5, अगर मैं उसी कार्बन को, अब मैं कहता हूं थर्ड की जगह फोर्थ पे लगाएं, तो असल में मैंने फोर्थ पे नहीं लगाया, किस पे लगा दिया? ये वापस सेकंड पे लगा दिया, क्योंकि गिनती वहां से होती है जहां से वो ब्रांच करीब होती है। तो अगर आप इस वाले स्ट्रक्चर को बना रहे हैं, दोबारा समझिएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पहली दफा पढ़ रहे हो तुम लोग, अगर इस स्ट्रक्चर को बना रहे हैं तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम है, आपको देखने में अलग लग रहा है, यहीं पर बच्चा धोखा खाता है और इसीलिए उसको आइसोमेरिज्म मुश्किल लगता है। आपको यह समझना पड़ेगा कि अरेंजमेंट डिफरेंट होने का मतलब है कि पोजीशंस डिफरेंट हो। ऊपर वाली केस में 5 कार्बन की चेन है और सेकंड कार्बन पे ब्रांच लगी हुई है, इस वाले स्ट्रक्चर में भी 5 कार्बन की चेन है और सेकंड कार्बन पे क्या लगी हुई है? ब्रांच लगी हुई है। काउंटिंग लेफ्ट हैंड साइड से भी हो सकती है और राइट हैंड साइड से भी हो सकती है। तो जब आपने ब्रांच राइट साइड पे लगाई थी, काउंटिंग राइट साइड से की, तो जो है वो सेकंड आ रहा है। जब लेफ्ट साइड पे ब्रांच है तो लेफ्ट साइड से काउंटिंग करेंगे तो सेकंड ही आएगा। तो मालूम हुआ ये वाला और ये वाला स्ट्रक्चर, ये अलग अरेंजमेंट नहीं हुआ कहलाएगा, ये सेम कहलाएगा। सर अगर नीचे की तरफ, हाँ ये दोनों ने सवाल, अगर नीचे, जी मैं समझ, नीचे की तरफ अगर नीचे की तरफ लगाएंगे तो वो उससे कुछ चेंज होगा? नहीं मेरे बच्चा, कार्बन तो वही है ना, पोजीशन तो वही है ना। ये सवाल आपने भी पूछा, इधर से भी एक बच्चा पूछ रहा है कि अगर नीचे करके लगा दे, यही तो एग्जामिनर कंफ्यूज करता है, ऊपर नीचे लगाता है, आप बोलते हैं ये अलग स्ट्रक्चर है, या इसमें मतलब मसला ही यही है। आप ऊपर नीचे से कंफ्यूज नहीं होंगे, आप
तसल्ली से देखेंगे कि चेन कितने कार्बन की है और उसमें ब्रांच कहां कहां आ रही है, चेन और ब्रांच का कॉन्सेप्ट पकड़ के रखना है। मैं और एग्जांपल दूंगा, इंशाल्लाह परेशान नहीं हो जब तक तुम्हें दिमाग में बैठ नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें ये हर साल आता है, दो दो एमसीक्यू भी आए। देखो ऑर्गेनिक में से 5 एमसीक्यू कम से कम आएंगे आउट ऑफ 40, 6 भी आ चुके हैं, और 6 या 5 में से 2 एमसीक्यू आइसोमेरिज्म से आ जाते हैं, और दोनों ही ज्यादा बच्चों के गलत होते हैं, क्योंकि आइसोमेरिज्म को पहचानने में बड़ा मुश्किल होती है बच्चों को, पता नहीं क्यों मुश्किल होती है। हालांकि नजरों का गेम है, नजर में क्या घूमनी चाहिए, चेन और ब्रांच, चेन और ब्रांच। आओ देखो अब मैं रैंडम एग्जांपल देता हूं, ये तो मैंने अभी एक तरीके से बना के दिखाया, मैं एक और बड़ा कंपाउंड लेता हूं, 8 कार्बन का कंपाउंड ले लेता हूं, चलो 8 कार्बन का, तो देखना जरा, 1 2 पहले क्या करूंगा, मुझे जवाब देते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 अनिका बात समझ में आ रही, 3 4 5 6 7 8 ठीक है, पहले 8 सीधा सीधा बनेंगे, अभी मैं फिलहाल हाइड्रोजन नहीं बना रहा, ठीक है, हाइड्रोजन पे गेम डिपेंड करती भी नहीं है, लेकिन बहरहाल तुम्हें बनाने होंगे, मैं नहीं बना रहा। अगले पे क्या करूंगा मैं, बोलो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 की चेन बनाऊंगा, और अब जो एक कार्बन तोड़ूंगा वो मैं यहां अब नीचे लगा देता हूं ताकि तुम्हें याद रहे, नीचे ऊपर लगा एक ही बार, नीचे लगा दिया, ये कंपाउंड हो गया। अब एक ही तरफ से चलो, अब अगर यही कार्बन मैं यहां लगा दूं तो अलग बात होगी, सेम बात होगी, सेम बात होगी, क्योंकि ये सेकंड कार्बन है, तो ये समझ में आ गई कि ये नहीं कि एक में राइट साइड से लगा हुआ है तो अलग है और राइट लेफ्ट साइड से लगा हुआ है तो अलग है। अब आगे चलाओ, इसको आगे चलाते जाओ, इसका एक और स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहिए क्या बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 अब ये जो मैंने सेकंड पे लगाया था अब कहां लगा दूंगा, थर्ड पर, ये अलग बात हुई क्योंकि तीसरा कार्बन है। अच्छा इसी तरह और आगे चलो, 1 2 3 4 5 6 7 अब किस पे लगा दूंगा, चौथे पर, यहां तक तो चलेगा। अब इसके बाद जब मैं शिफ्ट करूंगा इस वाले कार्बन पर तो वो पांचवा कार्बन नहीं होगा बल्कि वो तीसरा कार्बन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या मतलब, कि सिर्फ ऐसे दिखाना मकसद नहीं कि घूमगा, अगर अब मैं शिफ्ट करूंगा अगले वाले कार्बन पर, यानी कि अगर मान लो कि मैं ये स्ट्रक्चर बनाता हूं 1 2 3 4 5 6 और 7 और मैं यूं लगा देता हूं कार्बन, अब आपको नजर आ रहा है कि ऊपर वाले में यूं लगा हुआ था नीचे की तरफ और इधर ये लगा हुआ, अब तुम्हें मेरे बच्चे समझ में आ रहा है कि अलग स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि सेम स्ट्रक्चर है, और आइसोमर सेम स्ट्रक्चर होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, तो ये दोनों कंपाउंड आइसोमर नहीं है। बात समझ गए, एग्जामिनर इसी ट्रिक में फंसाता है तुम्हें, क्योंकि देखने में लगता है कि डिफरेंट है, सिर्फ देखने से डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अब्बास अली अब्बास बात समझ में आ रही है कि कंपाउंड्स का जो फिनोमिना तुम्हें पकड़ के रखना है ना, वो देखना है कि चेन कितने कार्बन की बन रही है और उसमें ब्रांच किस पोजीशन पे लगी हुई है। अगर दो कंपाउंड्स हैं, दोनों में चेन बराबर कार्बन की बन रही है और ब्रांच भी सेम पोजीशंस पे लगी हुई है, जैसे यहां मैंने कहा कि इसमें चेन कितने कार्बन की बनेगी, 7 कार्बन की, और ब्रांच कहां लगी हुई है, 3rd कार्बन पर, इसी तरह इसको मैं रीड करूंगा तो चेन कितने कार्बन की है, 7 कार्बन की, और ब्रांच कहां लगी हुई है, 1 2 3rd कार्बन पर, तो मैं समझ जाऊंगा कि जब दोनों में चेन भी 7 कार्बन की है और ब्रांच भी 3rd कार्बन पर लगी है, भले से देखने में अलग लग रहे हो ये अलग नहीं है। बात समझ में आई है, मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा क्योंकि एक से ज्यादा ब्रांच का स्ट्रक्चर तुम्हारा नहीं आएगा। ए लेवल्स में तो हम ये ऑक्टेन बनाया, मैंने ऑक्टेन के 20 अरेंजमेंट कम से कम बन सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन उतना ना पूछा जाएगा ना, आप तो 2-3 ही आ जाए बड़ी बात है। आइडिया पकड़ कर रखना, असल जो आइडिया सिखाना था ना वो क्या सिखाना था कि सिर्फ ब्रांच को इधर उधर हिला देने से स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो जाता, आपको देखना पड़ेगा कि चेन की लेंथ क्या है और उसमें ब्रांच की पोजीशन क्या है। जैसे मैंने बार बार कह रहा हूं कि ये वाली एग्जांपल में हमें नजर क्या आ रहा है, बजाहिर नजर आ रहा है कि भाई यहां पर जो है ना नीचे की तरफ ब्रांच है, राइट साइड की तरफ है, और यहां नजर आ रहा है कि ऊपर की तरफ है और लेफ्ट साइड की तरफ है, तो बजाहिर हमें क्या लग रहा है, ये अलग है। लेकिन अगर हम एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट की तरह रीड करेंगे तो हम कैसे रीड करेंगे कि यहां पर भी कितने कार्बन की चेन है, 7 कार्बन की, और ब्रांच किस कार्बन पर लगी हुई है, 3rd पर, और यहां पर भी कितने कार्बन की चेन है, 7, और ब्रांच कहां लगी हुई है, 3rd पर, तो यार ये तो सेम ही बात हो गई, समझ में आ रही। जबकि अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूं तो मैं कहूंगा चेन यहां कितने कार्बन की है, 7, ऊपर भी 7 है, लेकिन ब्रांच ऊपर 3rd कार्बन पे लगी है और नीचे 4th कार्बन पे, तो ये डिफरेंट हो गया। क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। एम आई क्लियर मेरे बच्चे? आइसोमर के अंदर जिसको ये सेंस आ गया ना, तो वो आइसोमर गलत नहीं करेगा। दोबारा सुन लेना मैंने क्या कहा, आइसोमर्स, लिसन केयरफुली, आइसोमर्स वो कंपाउंड्स हैं जिनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। इज दैट क्लियर? और अब मैंने उसके बाद तुम्हें ये कहा
कि सेम और डिफरेंट का कॉन्सेप्ट सही से समझो। डिफरेंट वो नहीं है जो डिफरेंट नजर आ रहा है, डिफरेंट वो है जो एक्चुअल में डिफरेंट है। और इसका अंदाजा कैसे करोगे? चेन और ब्रांच देख के, चेन और। अब अगर तुम मेरा मेरी बात 50% भी समझ गए हो ना, तो अब मैं तुमसे एग्जाम स्टाइल में एग्जाम्पल पूछने लगा हूं। मुझे जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा कि ये सेम कंपाउंड है या आइसोमर। सेम कंपाउंड है या, चले एग्जाम वाला स्टाइल, ठीक है जी। यस, कंपाउंड ए और कंपाउंड बी। सर सेम है जी, सर सेम है भाई। एक बच्चे की आवाज आ रही है ऑनलाइन में से, एक की आ रही है फिजिकल में, बाकी लोग कंफ्यूज है। सेम है सर, आपसे मतलब पूछूंगा। अच्छा जी, अब सारे जनरलाइज हो जाए जरा जल्दी से जी। क्या लगता है ये डिफरेंट? अच्छा, दिख रहे हैं डिफरेंट या नहीं? दिख तो डिफरेंट ही रहे, लेकिन क्या केमिकल आंख से देखें तो ये डिफरेंट लग रहे हैं आपको? कैसा देखने को, क्या देखना था मैंने केमिकल आंख से? कि चेन और ब्रांच। तो अब चेन पकड़ के चले तो ये पूरी चेन चलेगी, पूरी कंटिन्यूस। भाई रास्ता तलाश करते हैं ना कंटिन्यूटी में, तो ये पूरी एक ही चेन है। कितने कार्बन की? 5 कार्बन की। और यहां पर अगर आप रास्ता तलाश करेंगे इस एंड से शुरू करेंगे, ये यूं जाएंगे 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 जाएंगे, ये भी 5 ही कार्बन की चेन बन रही है। ना उसमें कोई ब्रांच है, ना इसमें कोई ब्रांच है। बात समझ में आ रही? एग्जामिनर बड़ा जलील है। ये सेम कंपाउंड है, दे आर नॉट आइसोमर्स, दे आर सेम कंपाउंड। अच्छा, अब बताओ जरा। अब इसमें अगर तुम चेन बनाओगे तो चेन कहीं से भी रास्ता शुरू करो, मान लो यहां से शुरू करने, तो चेन में रास्ता यूं जाएगा ना, यहां जाके खत्म हो जाएगा। उसका मतलब है ये दोनों क्या हो जाएंगी? ब्रांचेस। तो आपको नजर आ रहा है कि ये जो चेन है वो 3 कार्बन की और 2 क्या है इसमें? ब्रांचेस है। तो क्या ये और ये स्ट्रक्चर डिफरेंट हुए? लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इसका मतलब है ए एंड सी आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, या बी एंड सी आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। या सुनो भाई, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बैठ रहा है, C5H12। लेकिन हमें क्या नजर आ रहा है कि एक में 5 कार्बन की चेन है, ब्रांच कोई नहीं है, और एक में 3 कार्बन की चेन है, ब्रांचेस भी है। तो डिफरेंट हो गया ना, ये हो गया। इज दैट क्लियर? अब ये वाला बताओ, ये वाला बताओ। अब देखो ये वाला सही बताओ तो मानो। सर सेम है। हाँ भाई, आर दे सेम कंपाउंड्स और डिफरेंट कंपाउंड्स? सेम है, सेम 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 सेम। हाँ भाई, सार खालिद, मुनज़्ज़ा, हुज़ैफ़ा खालिद, ज़ैन मसूद, सर सेम है, सेम है, सेम है, सेम। अनीका फातिमा, अनीशा बंगाली, सर डिफरेंट है। सर मुझे डिफरेंट डिफरेंट है, सर डिफरेंट है। नीचे के अंदर आपने वो 11 डाले, ऊपर के अंदर 10 डाले।
आर दे आइसोमर्स यस और नो 12 आर दे आइसोमर्स और आर दे सेम कंपाउंड बिल्कुल सही आर दे आइसोमर्स और सेम कंपाउंड आइसोमर्स आइसोमर कितने लोग कह रहे हैं कि आइसोमर्स है दोनों नहीं है सर बेटा ये दोनों ही नहीं है पहली चीज हाँ अभी देखा क्यों क्योंकि भाई आप पहले भूल गए कि आइसोमर्स वो होते हैं इनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए यहां पर कार्बन ही अलग है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह एक में मैंने 11 कार्बन बनाए चालाकी से और एक में बनाए 10 लेकिन बनाया ऐसे कि देखने में कमी कमी एक जैसे लगे इसलिए पहला रिस्पांस क्या मिला हाँ एक जैसे आप ये मैंने ये जानबूझ के देखी कि एग्जांपल भी करता है कि आपको दो ऐसे कंपाउंड दे देगा जो आपको लगेगा बड़ा ऑब्वियस है लेकिन उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं आ रहा होगा तो भाई जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही नहीं है तो ये आइसोमर्स नहीं है दे आर टू डिफरेंट कंपाउंड ये दो डिफरेंट कंपाउंड है जो आइसोमर्स नहीं है क्योंकि आइसोमर्स उस वक्त कहलाते हैं ना जब इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता बात समझ में आ रही है अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मान लें कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता फिर मैंने दो सेम ही कंपाउंड बनाए अगर मैं इसमें एक कार्बन और कम बनाता और बिल्कुल वैसे ही बना देता फिर ये सेम ही कंपाउंड होते क्योंकि मैंने यहां पर भी जो चेन अटैच की थी वो चौथे कार्बन पे की थी और यहां भी चौथे कार्बन पे अटैच की थी तो फिर ये सेम ही कंपाउंड कहलाते ठीक है अगर एक कार्बन इसमें कम बनाता तो ठीक है जी कुछ सवाल पूछना चाह रहे हो हाँ यानी ये मैं कह रहा हूं कि अगर ये यूं होता है स्ट्रक्चर तो ये फिर सेम ही कंपाउंड कहलाते ना कि इसमें भी चौथे पे चेन आ रही होती ऊपर भी चौथे कार्बन पे चेन आ रही होती क्या बोल रही हाँ नहीं समझ रहा बोलो हाँ 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 जी हाँ बिल्कुल फिर डिफरेंट हो जाते फिर आइसोमर्स हो जाते फिर आइसोमर्स क्योंकि पोजीशन चेंज हो जाती है ना फोर की जगह थ्री हो जाती समझने की बात यहाँ पर ये है मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों कि आइडिया जो आइसोमर पढ़ाने का है ना वो क्या है कि आइसोमर दिखने दे आर कंपाउंड विद डिफरेंट अरेंजमेंट लेकिन हर अरेंजमेंट जो डिफरेंट दिख रही है वो डिफरेंट है ये जरूरी नहीं है इज दैट क्लियर एवरीबॉडी क्लियर है इसमें तो बेटा आइसोमर्स का डेफिनेशन लिख लिया एग्जांपल में आप बेताज सा एग्जांपल लिख सकते हैं मैंने ड्रॉ करने का टेक्निक भी तुम लोगों को बताया इसके अलावा फिर मैंने एग्जाम पैटर्न का जो एग्जांपल है वो भी तुम्हारे सामने रखा बिकॉज याद रखना आइसोमर्स आर डिफरेंट कंपाउंड सो दे डू नॉट हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज दे डू नॉट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज भाई दे आर डिफरेंट कंपाउंड ना तो जब डिफरेंट कंपाउंड है तो ना केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है और ना ही फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है अगर ये याद नहीं रहेगा तो लिख लो क्या है भाई बिकॉज आइसोमर्स आर डिफरेंट कंपाउंड सो दे डिफर इन बोथ फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर दे डिफर इन बोथ फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज में डिफर करेंगे याद रखना है कि इनमें सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था बाकी कुछ भी सेम जी मिशेल मुस्तफा फरा खालिक फरा 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 काशिफ कैसे हैं काशिफ साहब ठीक है काशिफ वो जो न्यूज पे आते हैं और रजा जानी तुम ये गुटखा खाते हो क्या दांत तुम्हारे ऐसे क्यों होंगे फिर दांत तुम्हारे अजीब से क्यों हुए तो था मावा मावा फिर छालिया ज्यादा खाते हो दांतों पे दांत छोटी छोटी क्यों तुम्हारे घिस गए ऐसा लग रहा है बकरीद में ऐसा तो नहीं कि तुम तो वो छुरी तेज करने के लिए लोग मशीन लेके बैठे थे लेकिन हंसते हुए अच्छे लगते हो किसी और ने कहा तुम्हारे तुम्हें हंसते हुए अच्छे लगते नहीं उसने भी नहीं कहा कर रहा है
तो दे डिफर इन बोथ फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर. जैन मसूद बेटा क्लियर है? मसूदी जी सर क्लियर है. चलो मुनीब खान आप हैं हमारे साथ? सर मैंने तो अभी आवाज लगाई कि आप सिम कर बन रहे हो. अच्छा चले मेरे बच्चे मेरे नूने हालू. बच्चों अब तीसरे टॉपिक की तरफ चल रहे हैं जो कि सिर्फ रीजनिंग पे बेस करता है. और ये टॉपिक हर जगह यानी आगे चैप्टर में जब हम ऑर्गेनिक पढ़ते हैं हर टॉपिक के साथ आएगा. मैं एक दफा भी नहीं पढ़ाऊंगा, हर दफा आपसे पूछूंगा क्योंकि मैं यहाँ सब कुछ एक साथ सिखा रहा हूँ. मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जिसके ऊपर वो सारी प्रॉपर्टीज लिखी गई. अगर आप समझ जाएंगे तो हमेशा की छुट्टी हो जाएगी और हर जगह मैं आपसे पूछूंगा और आप मुझे बताएंगे तो रिपीट हो जाएगा. और वो क्या है, हेडिंग बनाइएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर प्रेजेंस. अनीका फातिमा आप क्लास में मौजूद है जिंदा सलामत? जी सर. बुराई की उम्र अल्लाह ने बहुत लंबी रखी है, कब मरोगी तुम? फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर ट्रेंड्स. मेरे बच्चे यहां पर अब मैं आपके साथ कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करूंगा जो कि अल्कीन में भी आएंगी. जब हम अल्कीन को अलग से पढ़ेंगे, अल्कीन को अलग से पढ़ेंगे, आगे वाले क्लासेस पढ़ेंगे तो हमें ये सारी प्रॉपर्टीज बार बार इंडिविजुअली डिस्कस करनी है. लेकिन रीजन सबका एक जैसा है इसलिए रीजन यहाँ पर डिस्कस करेंगे ताकि वहां जब प्रॉपर्टीज आए तो आप अपने मुंह में से शकरकंदी बाहर निकाल कर जवाब दे सकें. कभी आपने शकरकंदी समझते ना स्वीट पोटैटो, कभी खाया हो तो देखा वो बहुत ज्यादा मुंह के अंदर ना पूरा जो है बोलना मुश्किल हो जाता है. तो ऐसा है कि आप लोगों के मुंह में लगता है शकरकंदी भरा हुआ है, बोलना चाह भी होती करके वो तो मुझे ही चेक करते रहना हर जगह. तो मुझे ही चेक करते रहना तो मैं लड़कियां नहीं बैठी होती तो ज्यादा चेक मुझे नहीं करना हर जगह. अगर मुझे मेरी ही चेकिंग करानी है तो मसला हो जाएगा. तो समझ गई ना, कुछ चीज अपने ऊपर रखो हर चीज में मुझे ही चेक करना है. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर ट्रेंड्स. ठीक है जी, पहली प्रॉपर्टी जिसके ऊपर हम विशेष टिप्पणी करने जा रहे हैं वो है सॉल्युबिलिटी. सर मुनीब बोल रहे हैं क्या माइलस्टोन कब आएंगे उसे क्लास में नहीं है फेस टू फेस. मैं आ रहा हूं ना यार, क्या हो गया, अभी आ जाऊंगा आधे घंटे में इंशाल्लाह. और मोटे जुहेर तुम्हें मैंने कहा है यहाँ मर के क्लास लिया करो, तुम ऑनलाइन आ जाते हो. तुम्हें कहा भी है कि यहाँ से मेरे साथ गाड़ी पे चले जाना है तो पैसे थोड़ी ले रहा था तुमसे, तुम आते क्यों नहीं यहाँ पर? ये उसका दोस्त जोहेर है भाई. जोहेर तुम्हारा कौन दोस्त? इस्माइल तुम्हारा दोस्त है? सर सुफियान है मेरा दोस्त. सुफियान राशिद रशीद? जी जी. अच्छा ये बैठा हुआ है सामने. अच्छा जी सॉल्युबिलिटी के ऊपर बात करते हैं मेरे बच्चे. सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं? जब हम सॉल्युबिलिटी की जनरल बात कर रहे होते हैं मालूम इससे हमारी मुराद होती है पानी में, पानी में डिसॉल्व होना. अब याद रखिएगा सॉल्युबिलिटी ओवरऑल केमिस्ट्री के लिए याद रखें चाहे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक हो, पानी में वही चीजें सॉल्युबल होती हैं जिन्हें पानी अट्रैक्ट कर सकता है. देखो पानी ना, पानी के बारे में पानी का फॉर्मूला तो पता है ना सबको, ये नहीं पता क्या होता है फॉर्मूला H2O. और आपने ये भी सुन रखा होगा कि पानी में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मौजूद होता है. अगर नहीं सुन रहा है तो अभी सुन लीजिए. अब होता यह है कि जिस चीज को भी आप पानी में डालते हैं अगर उसमें भी चार्ज मौजूद है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मौजूद, जैसे मैं नमक डालता हूं आयोनिक कंपाउंड के साथ पढ़ाया भी है मैंने, नमक डालता हूं तो नमक में क्या है Na और Cl, तो अब Na और Cl दोनों को ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या कर सकते हैं अट्रैक्ट कर सकते हैं. तो याद रखिएगा जिस चीज को भी पानी अट्रैक्ट कर सकता है वही पानी में डिजॉल्व होती है. क्योंकि डिजॉल्व होने का मतलब क्या है कि पानी क्या करता है वाटर मॉलिक्यूल अपने दरमियान जो स्पेसेस होते हैं ना उसमें उसको अट्रैक्ट करके बिठा लेते हैं साथ. तो सॉल्युबिलिटी का जो बेसिक ताल्लुक है ना वो दो फैक्टर्स पर है. पहला जो मेजर फैक्टर है वो पोलैरिटी, उसको हम केमिस्ट्री के टर्म में क्या कहते हैं पोलैरिटी, कि जहां पर चार्ज होगा क्योंकि पानी में तो चार्ज है, जहां पर जो कंपाउंड आप डाल रहे हैं अगर उसमें पोलैरिटी होगी चार्ज होगा तो पानी उसे क्या कर लेगा
अट्रैक्ट कर लेगा और वो पानी में क्या होगा, सॉल्युबल। पहला फैक्टर जो सॉल्युबिलिटी को डिसाइड करता है सिर्फ यहाँ नहीं पूरी केमिस्ट्री के अंदर, वो है पोलैरिटी। जब मैं दोबारा पूछूंगा तो मुंह से जवाब नहीं आए मैं जूता उतार के मार, ठीक है। ये केमिस्ट्री की वो बुनियाद है जिसके बाद केमिस्ट्री मुश्किल नहीं, ये जब कभी सीखोगे नहीं तो हमेशा ही मुश्किल लगेगी। तो याद रखिएगा सॉल्युबिलिटी, चाहे अभी पढ़ रहे हो ओ लेवल ए लेवल में पढ़ रहे हो पीएचडी में पढ़ रहे हो, बेसिक फैक्टर क्या है, पहला फैक्टर पोलैरिटी। पानी में वो चीजें डिजॉल्व होती हैं जो पोलर है, ये पहला फैक्टर है। अगर चार्ज नहीं है किसी चीज के ऊपर पानी उसे अट्रैक्ट नहीं करेगा, जब अट्रैक्ट ही नहीं करेगा तो मिक्स घंटा करेगा, नहीं करेगा। दूसरा फैक्टर पोलैरिटी इज नॉट द ओनली फैक्टर, दूसरा फैक्टर होता है साइज। बाज दफा चीजें पोलैरिटी पोलर होती है यानी चार्ज होता है लेकिन साइज बहुत बड़ा होता है, और जब साइज बहुत बड़ा होगा पानी अट्रैक्ट करना चाह रहा है, पानी है चुन्ना सा मॉलिक्यूल, अब पानी उसे अट्रैक्ट करना चाह रहा है और उसके हिसाब से साइज उसका बहुत बड़ा है, पानी के दरमियान स्पेसेस इतनी है नहीं कि उसे वो साथ में बराबर में बिठा सके। तो मेरे बच्चे सेकेंड फैक्टर जो है ना वो साइज आता है, ये हमेशा याद रखना, बायोलॉजी में बड़ा काम आएगा बायो वालों बच्चों को, ये बायोलॉजी में बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि पानी में सॉल्युबल होने के लिए दो शराइत पूरी करनी है। पहला पोलैरिटी, पहली पोलैरिटी, पोलैरिटी नहीं है फिर तो है ही नहीं, पोलैरिटी है तो साइज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। साइज अगर छोटा होगा तो पानी उसे डिजॉल्व अट्रैक्ट कर पाएगा, और साइज बहुत बड़ा होगा तो पानी उसे खींच। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड पर आ जाएंगे, ये बात मैंने इन जनरल बताई। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, पहला फैक्टर ही मिसिंग है, पोलैरिटी ही नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन पोलर, कोई चार्ज पको ना नहीं होता। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अल्केन पे एल्कीन पे इन जनरल किसी किस्म का चार्ज प्रेजेंट ना, पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो पानी इनको अट्रैक्ट नहीं कर पाता, और जब अट्रैक्ट नहीं कर पाता तो हम क्या कहते हैं, ऑल हाइड्रोकार्बन्स लाइक एल्कीन एंड एल्कीन आर इनसॉल्युबल इन वाटर। पेट्रोल पानी में हल होता है, डीजल हल होता है, केरोसिन हल होती है, नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि दे आर नॉन पोलर कंपाउंड, जब आप डालते हैं पानी इनको अट्रैक्ट नहीं कर पाता, अपने साथ ब्लेंड और मिक्स नहीं कर पाता। तो याद रखिएगा कॉन्सेप्ट में अल्केन अल्कीन का नहीं दे रहा, ओवरऑल दे रहा हूं कि जहां अगर किसी ऑर्गेनिक, मान लो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में पोलैरिटी आ जाए, और ऐसे कंपाउंड भी होते हैं, इन जनरल नहीं होते लेकिन ऐसे होते हैं, आगे आएंगे भी। तो मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कभी भी सॉल्युबल नहीं होगा, मैं कह रहा हूं जो कंपाउंड पोलर होगा, चार्ज होगा, वो पानी से अट्रैक्ट कर लेगा, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक। लेकिन इन जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक अल्केन और एल्कीन की बात अभी तक हमारी चल रही है, उनपे किसी किस्म की पोलैरिटी नहीं होती। चूंकि पोलैरिटी नहीं होती, दे कैन नॉट बी अट्रैक्टेड बाय वाटर, देयरफॉर ऑल ऑफ द अल्केन्स एंड ऑल अल्कीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। लेकिन आगे जाके हम एक कंपाउंड पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, आगे जाके हम एक कंपाउंड पढ़ेंगे अल्कोहल, वहां हम देखेंगे पोलैरिटी थोड़ी सी मौजूद है। तो वहां पर पोलैरिटी होगी तो आप देखोगे तो सॉल्युबल भी होगा, क्योंकि रीजन जो है ना अल्कोहल, ये थोड़ी कि अल्कोहल से दोस्ती है और उससे दुश्मनी है, भाई जिसके पास चार्ज होगा पानी उसे खींच लेगा, और जिसके पास चार्ज नहीं होगा, अल्कोहल पानी में डिसॉल्व होती नहीं होती, अल्कोहल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तुम तो पीती हो ना, तुम्हें तो पता है, आप देखा है ना उसको, सॉरी अच्छा बताना नहीं था यार, कब तक छुपाओगी बेचारे, अच्छा ये अच्छी एग्जांपल दी है कि अक्सर जगहों पर देखा है सैनिटाइजर के अंदर पानी मिला देते हैं, और वो क्या है अल्कोहल कॉन्टेंट है, अल्कोहल पानी में सॉल्युबल होती है, क्यों, क्योंकि अल्कोहल में चार्ज होता है, OH का चार्ज होता है, जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट हो सकती है। लेकिन वहां पर हम किस फैक्टर की बात करेंगे कि अल्कोहल में पानी, अल्कोहल पानी में सॉल्युबल तो है, लेकिन जैसे ही अल्कोहल का साइज बढ़ता चला जाएगा, जैसे एक कार्बन की अल्कोहल सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगी, दो कार्बन की अल्कोहल उससे कम होगी, दस कार्बन की अल्कोहल बहुत कम होगी, क्यों, क्योंकि मैंने बताया पोलैरिटी हो लेकिन साइज बढ़ता चला जाए तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ने की वजह से पानी उसे अट्रैक्ट, बात समझ आ रही है। तो ये पूरी ऑर्गेनिक के लिए हमने यहाँ पर बात कर ली, सॉल्युबिलिटी डन एंड डस्टेड। क्या कहा मैंने, सॉल्युबल वो चीजें होती हैं जिनमें नंबर वन, नाफे भाई क्या फरमाया, सॉल्युबल वो, सॉल्युबल कौन सी चीज होती है जिनमें पहली कौन सी कंडीशन मौजूद हो, चार्ज की, पोलैरिटी की, ठीक है जी, जानते हो मेरे भरोसे मत रहो, पोलैरिटी हो, और पोलैरिटी होने के बाद सेकेंड फैक्टर क्या है, साइज। देखो सारे जाग रहे हैं आज, पहली क्लास में हो तुम, ये स्कूल की क्लास नहीं है तुम्हारी, मिस पढ़ा के निकल जाएंगी। तो पोलैरिटी और साइज, पोलैरिटी ही नहीं है, पोलैरिटी कभी, अभी तो आजकल इतनी ज्यादा क्लासेस होती है, गला इजाजत नहीं देता, फिर बेगम से भी डांट पड़ती है कि घर में आया आवाज बैठी हुई, पर ना कभी कभी हम जोश में ना हमारी क्लास शामे गरीबा में तब्दील हो जाती थी, अचानक मतलब वो ऐसा माहौल बन जाता था, मतलब इतनी ज्यादा इंटेंसिटी और हाई पिच पे चली जाती थी कहानी,
खैर चलो, तो पोलैरिटी की बात दोबारा कर रहे हैं। तो पोलैरिटी पहली शर्त है सॉल्युबिलिटी की, अगर पोलैरिटी है और साइज छोटा है अप्रोप्रिएट है तो पानी में डिसॉल्व बोलो बेटा हो जाएगी, और अगर पोलैरिटी के साथ साइज बढ़ने लगे तो सॉल्युबिलिटी कम होने लगेगी। इज दैट क्लियर? ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है पूरी केमिस्ट्री के लिए, सिर्फ यहां नहीं है। तो सॉल्युबिलिटी वन लास्ट टाइम पोलैरिटी पे डिपेंड करती है, साइज पे डिपेंड करती है। पोलैरिटी ज्यादा होगी डिसॉल्व हो जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा तो पोलैरिटी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। एनी क्वेश्चन? अब जैसे अल्केन अल्कीन में हम जाएंगे वहां पढ़ेंगे भाई मीथेन सॉल्युबल है या नहीं है, आप बोलेंगे नहीं है। रीजन पूछेगा एग्जाम में, आप बोलेंगे मीथेन में कोई पोलैरिटी नहीं है, वाटर से अट्रैक्ट नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर? पहला फैक्टर सबको क्लियर हो गया, क्या हो गया? दूसरी प्रॉपर्टी तो यहां मैं लिख देता हूँ, कीवर्ड्स लिख देता हूँ अगर आप नोट कर रहे हैं तो। पहली फैक्टर पोलैरिटी, कीवर्ड लिखना इसलिए जरूरी होता है ताकि सबूत रहे, वरना आप बोलते सर आपने बताया नहीं। ठीक है, पोलैरिटी और साइज, पोलैरिटी और साइज कि जो चीजें पोलर होती हैं, और चूंकि इन जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड इन जनरल पोलर नहीं होते, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में इन जनरल आप क्या पढ़ते हैं कि दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है जी, ऑर्गेनिक इन जनरल नहीं होता, ज्यादा कंपाउंड में नहीं होता, कंपाउंड आर। हुजैफा बात समझ में आई है कुछ? मक्सी जी सर, जुहेर खालिद, सहर खालिद, अन्नी और अनीका आ गई सर। जी सर। ठीक है जी, सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड आपको समझ में आ गया ओवरऑल। अब अल्केन अल्कीन में जहां आएगा मैं आपसे पूछूंगा, मुझे जवाब आपसे चाहिए। अगली प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी के बाद है मेरे बच्चों, कौन सी प्रॉपर्टी है भाई? अगली प्रॉपर्टी जो सॉल्युबिलिटी के बाद है वो है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, स्टेट। अबे तीन क्लासेस और हैं मेरी, स्टेट कॉम्प्लेक्सिटी। इन तीनों प्रॉपर्टी के बारे में इंशाल्लाह अगली नशिस्त में बात होगी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।